सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टी के डिजिटल कैश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टी के डिजिटल कैश में। सो दोस्तों, यहां पर इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन जो है यहां पर शेयर करना चाहूँगा, जो कि है KYC के रिगार्डिंग। और ये इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है समझना, लेकिन स्टिल बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर के सवाल कर रहे हैं और जो इसको समझ नहीं पाते कि एक्चुअली इसमें हमें करना क्या है। ये जो सवाल है, ये जो जानकारी है, ये है रिगार्डिंग आपकी KYC। तो अभी आप लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर मैं एक स्क्रीनशॉट जो है शेयर करूंगा, जिसमें KYC का स्टेटस जो है वो शेयर किया गया है। अब एक्चुअली मैं ये स्टेटस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है और इस स्टेटस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर KYC में क्या प्रोसेस कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए, जिससे कि आप लोगों सभी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़, वीडियोस और स्पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग सही जानकारी दोस्तों आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल पाए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इस KYC स्टेटस के बारे में। तो बहुत ही सिंपल अगर आप देखें तो जिन लोगों ने यहाँ पर KYC के लिए अप्लाई किया है, या कुछ महीने पहले इन्होंने अप्लाई किया था, या कुछ दिन पहले, या हो सकता है कुछ ने रिसेंटली यहाँ पर अप्लाई किया हो, क्योंकि अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने ये देखा है बहुत सारे केसेस में कि यहाँ पर KYC के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 1 से 2 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जा रहा है रिसेंट KYC का। बाकी कुछ ऐसे भी अकाउंट हैं जो कि साल भर से पेंडिंग में पड़े हुए हैं, या जो कि 6 महीने से पेंडिंग में पड़े हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग में पड़े हुए हैं, लेकिन उसका स्टेटस अभी भी वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ऐसे में ये जो लोग हैं, ये जो पायनियर्स हैं, अपने अपने अकाउंट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं। लेकिन भाई यहाँ पर आप लोगों की चिंता को ख़त्म करने के लिए जो भी KYC के स्टेटस है उनको समझाना, या उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्चुअली में क्या करना है, वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिससे कि आप लोग अपने अपने पाई अकाउंट को जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें और यहाँ अपने अपने पाई कॉइन्स को अपने वॉलेट के अंदर रिसीव कर सकें। तो अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इसमें ये KYC स्टेटस है, KYC इज नॉट अप्रूव्ड, डिफरेंट अकाउंट नेम एंड अपील सबमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पर्सन है या ये जो भी हमारे भाई हैं यहाँ पर पायनियर्स, ठीक है, इन्होंने KYC के लिए अप्लाई किया और यहाँ पर इनकी KYC रिजेक्ट हो चुकी है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास में KYC स्टेटस यही शो हो रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब सिंपल यही है कि भाई आपने नाम जो है अपने पाई अकाउंट के अंदर अलग रखा है, और जब आपने KYC करी, अपने डॉक्यूमेंट लगाए, यानी कि अपनी जो आधार कार्ड लगाया या आपने पैन कार्ड लगाया, आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया वो आपका मिसमैच कर गया, वो आपका मैच नहीं हुआ आपके पाई अकाउंट नेम से, और इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर भी सिंपल यही चीज़ जो है वो हाईलाइट की गई है कि भाई जो KYC अप्रूव नहीं हुई है उसका जो रीज़न है वो ये है कि आपका जो नाम है, ठीक है, अकाउंट में, वो डिफरेंट है और अपील जो है इसके लिए सबमिटेड कर दी गई है। अब ये नहीं मुझे मालूम कि इस भाई ने, क्योंकि मेरे पास में अभी पर्सनली ऐसा कोई अकाउंट नहीं आया है कि वो रिजेक्ट हो चुकी हो और फिर मैंने उसके ऊपर कुछ भी प्रोसेस किया हो, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ये सबमिटेड किया जा चुका है या इसने पहले सबमिट कर दिया था उसका ये स्टेटस दिखा रहा है। बट यहाँ पर KYC का जो नाम यहाँ पर बताया गया है ना, सॉरी, KYC का जो स्टेटस यहाँ पर शो किया गया है वो नॉट अप्रूव्ड है, और रीज़न यही है कि भाई नाम जो है यहाँ पर डिफरेंट है। अभी मैं अगर बात करूँ तो अभी मेरे पास में और भी कुछ केसेस थे जिसमें मैंने अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो किसी ने कृष्णा टॉयज करके, यानी उसका कुछ काम होगा, बिजनेस होगा टॉयज वगैरह का, तो उसकी KYC मुझे करनी थी, और जब मैंने नाम चेक करा तो वहाँ पर जो है कृष्णा टॉयज करके वहाँ पर नाम था। तो भाई रीज़न पीछे इसके ये है कि कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे बहुत हल्के में लेकर के पाई अकाउंट बना दिया, यानी कि ठीक है यार पाई अकाउंट ही तो बनाना है, कुछ भी बना डालो, ये लोगों के माइंड में था, उसको सीरियसली नहीं लिया बहुत लोगों ने। अब जब बात आती है कि भाई हम KYC अपनी करनी है, उसके बाद में फिर अपना कॉइन्स जो वो गेन करना है, और फिर उसके अंदर चीज़ निकल के आती है कि भाई हमारा नाम जो है वो मिसमैच हो गया, अब KYC आपकी होगी नहीं। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अभी कोई नाम बना सॉरी अकाउंट बनाते हो पाई का, तो उसमें ये ज़रूर ध्यान रखो कि नाम जो है वो आपका वही हो जो आपके डॉक्यूमेंट पर
मैच करें, ऐसा नहीं कि आपने नाम डाल दिया कुछ और, डॉक्यूमेंट में नाम है कुछ और, फिर बहुत सारे झंझट होते हैं। अभी बहुत सारे लोग इसी को लेकर के फंसे हुए हैं, केवाईसी तो बहुत दूर की बात है, वो नाम को लेकर के ही परेशान है। अब नाम जब चेंज होगा तब तो केवाईसी होगी, ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। बाकी जो इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं कि भाई नाम डिफरेंट होने की वजह से यहां पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कि उनके पास में किसी तरीके से कोई ऑप्शन जो है यहां पर आ जाए, और अपील भी यहां पर उनके पास में आ रही है। अगर आती है तो आप वहां पर जो है सबमिट करो, मेंशन करो, ठीक है, और उसके बाद अपनी केवाईसी जो है सबमिट करो। लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि इस तरीके के जो केसेस हैं या इस तरीके के जो नेम वाले अकाउंट हैं, गलत नाम वाले, उनको सही सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाए या उनको जो है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जहाँ यहाँ पर मिल जाए। ये बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि भाई टीम ने, आप लोगों को पता होगा कि आप अभी भी अगर यहाँ पर अकाउंट बनाते हो, आपको 15 दिन का समय मिलता है कि आप अपना नाम जो है वो चेंज कर दो। अब ऐसे में यहाँ पर जो पहले पुराने अकाउंट हैं या जिन्होंने अपना अकाउंट बनाया, आप आज उसके लिए जो है पछता रहे हैं, तो भाई उनको भी ये टाइम दिया गया था, 1.5 साल से भी ऊपर हो चुका है उनको, जब भी उन्होंने अकाउंट बनाया था उसी के 15 दिन के बाद, 15 दिन तक उन लोगों को ये ऑप्शन मिला था कि वो नाम चेंज कर सकें, लेकिन फिर भी हल्के में लिया, नहीं किया, बस छोड़ दिया। अब लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि हम कहाँ से कौन सी चीज़ सही करें, क्या सही करें कि हमारा पाई अकाउंट जो है वो सही हो जाए, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग साथ में कुछ और एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो पाई अकाउंट के रिगार्डिंग कि मैंने किस किस तरीके से यहाँ पर पाई के अकाउंट्स देखे हैं, किस तरीके के अकाउंट्स को जो है मैंने ठीक किया है, किस तरीके से पाई अकाउंट्स की रिकवरी करी है, इन सब के बारे में आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसको आप लोग देखना ना भूलें। बाकी फिलहाल अगर आपको अभी कोई और प्रॉब्लम है या कोई आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और किसी नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।